और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीतिक चरम सीमा पर है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 18 साल की भाजपा सरकार में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वह प्रदेश के नौजवान को हुआ है। मध्य प्रदेश में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है। जैन ने कहा कि शिवराज सरकार में भर्ती घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया है। आज फोर्थ क्लास के नौकरी के लिए 1299 पद की जब आवेदन मांगे गए सरकार के अंदर, तो हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट पास, इतने सारे नौजवानों ने अपनी नियुक्तियां भरी, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। आज जो स्थिति है, हमारे कम से कम 100 करोड़ रुपए गरीब गार्जियन अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से अपने बच्चों पर एग्जाम में बैठने के लिए उन्हें देते हैं, और वो पैसे भ्रष्ट मंत्रियों के बीच में बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई नियुक्ति नहीं हुई। अनेक विभाग ऐसे हैं जिसमें 2011 के बाद नहीं हुई, किसी में 10 के बाद से नहीं हुई, सारे पद खाली हैं और उस पर कभी इन्होंने सोचा नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, मामा जी सिर्फ लोगों को बांटने में, टोड़ने में, जुमलेबाजी करने में, नौटंकी करने में व्यस्त रहे। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक नौजवान जिसने मध्य प्रदेश की माटी में जन्म लिया, रोजगार उसका हक है। आप जाते हैं लोगों के बीच में, बोलते हैं, और जो कर्मचारी हैं, अभी जब संविदा कर्मचारियों के बीच में पहुंचे और उन्होंने एक चीज और कर दी कि इनकी सीआर बनेगी, जो नौकरी तो आप दे नहीं रहे।